नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, आदर्श आचार संहिता लागू होते ही एक्शन मोड में पुलिस, अलग अलग जगहों पर की जा रही सरप्राइज चेकिंग। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होते ही रायपुर पुलिस की सख्ती बढ़ गई है। अलग अलग जगहों पर पुलिस टीम सरप्राइज चेकिंग कर रही है। अंतर जिला चेक पोस्ट के साथ ही शहर के भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर भी चेकिंग की जा रही है। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने इन चेकिंग पॉइंट्स का औचक निरीक्षण कर पुलिस टीम को आवश्यक निर्देश दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फ्रिबिज मटेरियल, नशे के सामान और अवैध हथियार के पहुंच को रोकने के लिए जिले के सभी थाना क्षेत्रों में लगातार जांच की जा रही है। बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने मंगलवार को प्रदेश भर के कलेक्टर और एसपी की बैठक ली, जिसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही आचार संहिता नियम कानून के कड़ाई से पालन के निर्देश भी दिए। ज्ञात हो कि 9 अक्टूबर से विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके बाद कानून व्यवस्था पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग के अधीन है। चुनाव को देखते हुए पुलिस द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में जांच चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, वहीं संदिग्ध चीजों पर भी नजर रखी जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, अरपा नदी में बच्चियों की मौत का मामला, एचसी ने कहा सिर्फ पेनल्टी से काम नहीं चलेगा, एफआईआर भी दर्ज कराएं। 6 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। बिलासपुर, अरपा नदी संदरी में 3 बच्चियों की डूबने से मौत के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में सुनवाई शुरू की है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने ये निर्देश जारी किया है। अवैध खनन से हुए गड्ढों में भरे पानी में डूबकर संदरी के पास 3 बच्चियों की मौत हुई थी। साथ ही अवैध खनन और अरपा की दुर्दशा को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर भी सुनवाई चल रही है। प्रकरण में अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। दरअसल बिलासपुर के संदरी के रेत घाट में बीते हरेली के दिन अरपा नदी में नहाने गई 3 बच्चियों की डूबकर मौत हो गई थी। इस मामले में बच्ची के परिजन को 12 लाख रुपए मुआवजा देकर प्रशासन ने जिम्मेदारी पूरी कर ली। मामले की जांच या दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही अगली बड़ी खबर है, पापा के बलिदान की कीमत नहीं, भीमा मंडावी की बेटी बोली पार्टी के लिए पिता ने जान दी, अब नेताओं ने मां का टिकट काटा, मेरे पिता ने पार्टी के लिए अपना बलिदान दे दिया। पापा के जाने के बाद हमें अपने कल का पता नहीं था, मम्मी ने हमें संभाला, पापा के अधूरे सपने को पूरा करने पार्टी में पापा की जगह ली, लेकिन अब पार्टी ने मम्मी को टिकट न देकर पिता के बलिदान को व्यर्थ कर दिया है। मैं पार्टी के हर नेता से, कार्यकर्ताओं से पूछना चाहती हूँ, क्या पार्टी में मेरे पापा के बलिदान की कोई कीमत नहीं? ये कहना है दंतेवाड़ा के दिवंगत बीजेपी नेता भीमा मंडावी की बेटी दीपा मंडावी का। दीपा ने सोशल मीडिया पर एक मार्मिक वीडियो पोस्ट किया है। माँ ओजस्वी भीमा मंडावी को टिकट नहीं मिलने की वजह से बेटी ने पार्टी पर नाराजगी जाहिर की है। इस वीडियो के माध्यम से दीपा कह रही हैं कि माँ ओजस्वी भीमा मंडावी को भाजपा ने विधानसभा टिकट न देकर पिता के बलिदान को व्यर्थ किया है। पिता के कई अधूरे सपने थे जिसे पूरा करने के लिए माँ ने राजनीति में कदम रखा, पार्टी ज्वाइन की। दंतेवाड़ा की जनता आज भी मेरे पापा को चाहती है। साल 2019 को भीमा मंडावी लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार कर बचेली से नकुलनार के रास्ते घर लौट रहे थे। इसी बीच कुकोड़ा थाना क्षेत्र के श्यामगिरी में नक्सलियों ने ईईड ब्लास्ट कर उनकी कार को उड़ा दिया था, जिसमें विधायक भीमा मंडावी समेत उनकी गाड़ी में सवार 3 जवान और एक वाहन चालक की मौत हुई थी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, राजधानी की सड़कों पर नाबालिग बाइकर्स का आतंक, देखिए एक्सक्लूसिव वीडियो, कैसे एक ही बाइक पर 7 लोग सवार होकर फर्राटे भर रहे हैं। राजधानी रायपुर के अमानाका इलाके में नाबालिगों का खतरनाक तरीके से बाइक चलाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक ही बाइक पर 7 लड़के सवार होकर लहराते हुए बाइक चला रहे हैं। विधानसभा चुनाव इलेक्शन को लेकर शहर भर में चेकिंग पॉइंट्स लगे हैं, बावजूद इसके बेखौफ होकर नाबालिग खतरनाक तरीके से बीच सड़क पर बाइक चला रहे हैं। एक ही बाइक पर 7 नाबालिग सवार होकर सड़क पर बाइक लहरा रहे हैं, वे न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में बड़ी गर्मी, तिल्दा में पारा 37 डिग्री पार, बारिश थमने से टेम्परेचर बढ़ा, अगले 48 घंटे मौसम में कोई बदलाव के आसार नहीं। छत्तीसगढ़ के 4 संभाग रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा से मानसून के विदा होने के बाद लगातार तापमान बढ़ रहा है। सभी जिलों में दिन का पारा 30 डिग्री के पार है, अगले 48 घंटे में भी मौसम इसी तरह बना रहेगा।
तिल्दा में सबसे अधिक 37.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। नारायणपुर में न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक 15 अक्टूबर तक प्रदेश से पूरी तरह मानसून विदा हो जाएगा। अगले 24 घंटे मौसम साफ रहेगा। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तेज धूप की वजह से मौसम उमस भरा रहेगा। आउटर इलाकों में रात को हल्की ठंड महसूस हो सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, BJP की वॉल पेंटिंग मिटा रहे निगम कर्मियों की पिटाई। कर्मचारी बोले, नशे में दो लोगों ने गाली गलौज की, फिर लाठी और हॉकी स्टिक से पीटा। दुर्ग जिले में आचार संहिता लागू होने के बाद निगम अमला चुनावी बैनर, पोस्टर और स्लोगन हटाने का काम कर रहा है। दीवारों से जब कर्मचारियों की टीम BJP की वॉल पेंटिंग हटा रही थी, तो भाजपा समर्थकों ने उनकी पिटाई कर दी। घटना से नाराज निगम कर्मियों ने भिलाई नगर थाने में केस दर्ज कराया है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भिलाई नगर निगम के जोन 5 में प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक सागर दुबे ने बताया कि जोन कमिश्नर के आदेश पर मंगलवार शाम को सेक्टर 7 ओवरब्रिज के नीचे चुनाव प्रचार की वॉल पेंटिंग को मिटाया जा रहा था। तभी दो लोग नशे में आए और उनसे बहस करने लगे। इनका आरोप है कि कर्मचारी सिर्फ BJP की वॉल पेंटिंग हटा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के बैनर पोस्टर को नहीं हटाया जा रहा। दुर्ग सिटी SP संजय ध्रुव ने बताया कि निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का मामला आया है। वो लोग शासकीय कार्य कर रहे थे। आरोपी पी शंकर राव 35 वर्ष निवासी सेक्टर और डैनियल राव 35 साल निवासी सेक्टर -6 को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, बस्तर में 24 BJP नेताओं को एक्स श्रेणी की सुरक्षा। दंतेवाड़ा के 10 नेता भी शामिल। विधानसभा चुनाव प्रचार में है नक्सलियों से खतरा। छत्तीसगढ़ में बस्तर के अलग अलग विधानसभा के कुल 24 नेताओं को नक्सलियों से खतरा है, इसलिए अब केंद्र सरकार ने उन्हें एक्स श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। चुनाव प्रचार के लिए इन नेताओं के साथ 2 सशस्त्र जवान तैनात रहेंगे। हालांकि यह सुविधा उन्हें सिर्फ 31 दिसंबर 2023 तक ही मिलेगी। सुरक्षा पाने वालों में दंतेवाड़ा के सबसे ज्यादा 10 नेता शामिल हैं। इनमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कमला विनय नाग, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीष सुराना, भाजपा के जिला महामंत्री संतोष गुप्ता और धीरेन्द्र प्रताप सिंह समेत अन्य नेता है। कुछ ब्लॉक स्तर के भी नेता है जिन्हें सुरक्षा प्रदान की गयी है। इसके अलावा बीजापुर के 9 नेताओं को भी सुरक्षा मिली है। इनमें भाजपा के जिला उपाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार, कमलेश मंडावी, लव कुमार रायडू, छत्तीसगढ़ युवा मोर्चा के सदस्य फूलचंद गागरा समेत अन्य नेता शामिल हैं। कई नेताओं का अंदरूनी गांवों में आना जाना भी लगा रहता है, इस लिहाज से उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करवाना भी जरूरी माना जा रहा है। एक्स श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था के तहत VIP के साथ 2 कमांडो जवान तैनात रहते हैं। इस व्यवस्था के बारे में कहा जा सकता है कि यह एक प्रकार की प्रथम स्तर की सुरक्षा प्रणाली है। अगर अलर्ट गंभीर है तो इस श्रेणी को छोड़कर Y श्रेणी या अन्य दूसरी श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, नक्सलियों ने किया था ID प्लांट, जवानों ने कैसे किया डिफ्यूज, देखिए वीडियो। विधानसभा चुनाव से पहले नक्सली सक्रिय हो गए हैं। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जगह जगह ID प्लांट कर रखा है। वहीं सर्चिंग पर निकले जवानों ने पोलमपल्ली इलाके से ID बरामद कर नष्ट कर दिया। कोंटा के पोलमपल्ली इलाके में CRPF की 74 बटालियन और DRG के जवान सर्चिंग पर निकले। इस दौरान उन्हें ID बरामद हुई, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। फिलहाल सभी जवान सुरक्षित हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, CM के कैंडी क्रश पर ट्विटर वॉर। भूपेश ने कहा, मनोरंजन अपराध है क्या? रमन बोले, आचार संहिता में स्कैम गेम तो खेल नहीं सकते। छत्तीसगढ़ में चुनावों की घोषणा होने के साथ ही राजनीति में कैंडी क्रश की एंट्री हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भूपेश बघेल के मोबाइल पर गेम खेलते फोटो ट्वीट कर तंज किया। इस पर CM ने कहा है कि मनोरंजन करना अपराध है क्या। वहीं रमन सिंह ने कहा कि अब आचार संहिता लगी है, स्कैम गेम तो खेल नहीं सकते। दरअसल इस सारे हंगामे की शुरुआत भाजपा के ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई एक फोटो से हुई है। फोटो में भूपेश बघेल कैंडी क्रश खेलते नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ लिखा गया है कि भूपेश जी भी निश्चिंत हैं। उन्हें पता है कितनी भी माथापच्ची कर ले, सरकार तो आनी नहीं है। भाजपा के आरोपों पर भूपेश बघेल ने कहा कि कैंडी क्रश खेलना कोई अपराध है क्या? मैं कभी तनाव में नहीं रहता। BJP के लोग चुनाव आते ही सक्रिय होते हैं। हम 5 साल सक्रिय रहे, हमने जनता के लिए काम किया। मैं खाना खाने के बाद थोड़ी देर खेलता हूँ,
कल महाराज साहब डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने डिनर पर बुलाया था। वहीं से हम सीधा मीटिंग में आ गए। सीएम ने कहा कि उनकी गाड़ी आगे खड़ी थी तो वे मीटिंग में थोड़ा पहले पहुंच गए थे। मीटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने थोड़ी देर गेम खेला। उन्होंने कहा कि हम गेरी भंवरा खेलते हैं, छलांग भी लगते हैं, कैंडी क्रश भी उनका फेवरेट है। मनोरंजन करना अपराध है। अपराध हो तो बताएं। भूपेश ने कहा कि उनको मेरे होने से ही ऐतराज है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, एडवोकेट रविंद्र अग्रवाल बनेंगे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। अब 15 हो जाएगी जजों की संख्या। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक नए जज की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। बार कोटे से एडवोकेट रविंद्र अग्रवाल हाई कोर्ट के नए जज होंगे। उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। इसके साथ ही अब हाई कोर्ट में जजों की संख्या 15 हो जाएगी। हाई कोर्ट के कॉलेजियम ने हाल ही में बार कोटे से जजों का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें 3 नामों का पैनल तैयार कर सुप्रीम कोर्ट भेजा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी राय ली थी, जिस पर सहमति मिल गई थी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, दशहरा, दीपावली, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। जाने कितने दिन मिलेगी छुट्टी। रायपुर, राज्य सरकार ने शिक्षण सत्र 2023-24 के लिए दशहरा, दिवाली, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए आदेश जारी कर दिया है। लोक शिक्षण संचालनालय DPI की तरफ से भेजे गए स्कूल छुट्टी के प्रस्ताव पर स्कूल शिक्षा विभाग ने मुहर लगा दी है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक दशहरा, दिवाली, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन के लिए कुल 64 दिन छुट्टी रहेगी।